अभी मैं आया था एक इवेंट के लिए एंड देखो मुझे कौन मिला है। अच्छा अरे आकाश भाई मिले हैं, ऋषि भाई भी है जिनको आप कभी कभी खोजते रहते हो क्योंकि प्लीज भाई आईआईटी बॉम्बे में हो, ऋषि भाई के साथ कोलैबोरेट करो। के फेवरेट विनायक भाई को तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, विनायक भाई भी है अपने साथ। भाई गाइस कैसे हो आप सभी, तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। एंड आज है फ्राइडे एंड आज अपना सिर्फ एक क्लास है एंड अभी सुबह के अराउंड 9:30 हो रहे हैं, तो मैं और पीछे विपुल है हम दोनों जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो चलो जल्दी से नाश्ता करते हैं एंड उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यार क्लास जाने के लिए रेडी हो चुका है एंड मेरे साथ है विपुल भाई और श्रीतम भाई। कौन सा क्लास है आपका? मेरा मैनेजरियल साइकोलॉजी। क्या पढ़ाते हैं सर मैनेजरियल साइकोलॉजी में? मैनेजर्स को कैसे अपने एम्प्लॉयज को ट्रीट करना चाहिए, कैसे रिवॉर्ड देने चाहिए, कैसे पनिशमेंट देने चाहिए, वो सब। क्या बात है यार। और हमारा कौन सा है? सेफ्टी। हमारा सेफ्टी। सेफ्टी में भाई बताते हैं कि इंडस्ट्री में जब आप जाओ तो वहाँ पे सेफ्टी कैसे मैनेज करना है, कैसे रिस्क को मिटिगेट करना है और यही सारी चीज़ पढ़ाते हैं। तो चलो जल्दी से क्लास चलते हैं एंड विपुल के साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं। विपुल भाई अपना अटेंडेंस मार्क करते हुए, क्लास ख़त्म हो चुका है। क्लास यार आज 8 मिनट लेट ख़त्म हुआ। यार अभी शाम के ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं, ठीक है। क्लास आज एक ही था एंड वो ख़त्म हो चुका है, लंच वगैरह भी हो चुका था। फिर मैं आने के बाद एक डेढ़ घंटे सो गया था क्योंकि कल रात में काफ़ी कम सोए थे, तो आगे सो गया मैं। एंड अभी मैं एक बहुत शानदार व्यू के सामने बैठा हूँ, तो वो व्यू आपको दिखाता हूँ। यार ये देखो, ऐसे व्यू के सामने मैं बैठा हूँ, ये अपना हवाई लेक है एंड इधर भी काफ़ी अच्छा नज़ारा है। तो सोचा थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाऊँ, इसके बाद फिर चलेंगे स्नैक्स करने के लिए एंड देन आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो यार अभी अपना स्नैक्स डन हो चुका है एंड मैं अभी आया हूँ अपने पुराने हॉस्टल, हॉस्टल 9 में। मुझे एक फ़ोटो निकलवाना है, बेसिकली प्रिंट कराना है, तो हॉस्टल 9 में शॉप है, वहाँ पर चल के प्रिंट कराते हैं। तो यार आए थे फ़ोटो प्रिंट कराने के लिए, फ़ोटो प्रिंट तो हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे H9 में सोफीज और 30 जो है क्रिकेट खेल रहे थे, गली क्रिकेट बास्केटबॉल कोर्ट पर, तो वो भी मैं भी खेल रहा था। अभी जस्ट रन आउट हुआ मैं एंड अभी अपनी टीम को 13 रन चाहिए 11 बॉल में, देखते हैं क्या होता है, जीतते हैं हारते हैं। ये पेड़ गिर गया यार H9 में अपने बास्केटबॉल कोर्ट पे। पहले मेरा रूम यहाँ पे था, जिन्होंने नहीं देखा है इधर था मेरा रूम, अब वो पीछे हॉस्टल दिख रहा है, अब उस पे रहता हूँ मैं। हमिद भाई आए हैं अपना रेज्यूमे लेके, कहीं पे कोई ओपनिंग हो तो रेफर कर देना। ये देखो इनका रेज्यूमे है, आज डेडलाइन है ना, बना लिया पूरा? चलो बढ़िया, मिलते हैं बाय। और इधर अपना गली क्रिकेट चलता हुआ भाई, बॉल खो गया है, मिल गया शायद। यार हॉस्टल 9 गया था फोटो निकलवाने के लिए, फोटो निकला नहीं, उधर लोग क्रिकेट खेल रहे थे सोफीज एंड 30s, तो मैं भी थोड़ा क्रिकेट खेल लिया। मैचेस तो हार गए, बॉलिंग अच्छी हुई वहाँ पे, बैटिंग इतनी अच्छी नहीं हुई। चलो अपना फ्लोर आ गया, 5-10 मिनट बैठते हैं देन जिम जाना है, तो जिम के लिए निकलेंगे फिर, ठीक है। तो चलो यार जिम जाने का टाइम हो चुका है, जिम चलते हैं एंड देन वर्कआउट करते हैं एंड फिर मिलते हैं आपसे। तो यार आज का जिम सेशन डन हो चुका है, आज के सेशन में लिटरली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। पहली बार मैं 3 किलोमीटर दौड़ा बिना नॉन स्टॉप, मतलब पहले मैं वॉकिंग ब्रेक ले लेता था, 1-2 किलोमीटर दौड़ा फिर वॉकिंग ब्रेक लिया, आज कोई भी वॉकिंग ब्रेक नहीं, काफ़ी मज़ा आया, वेट ट्रेनिंग में भी काफ़ी मज़ा आया। चलो रूम पे पहुंच चुके हैं, रूम पे चलते हैं, 5-10 मिनट रेस्ट करते हैं एंड देन आगे का प्रोसेस करते हैं। तो चलो यार रेडी हो चुके हैं वगैरह के एंड अभी 9:45 हो गए, ऑलमोस्ट 9:45 पर डिनर बंद हो जाता है, लेकिन बाहर मेरा एक अमेज़ॉन से ऑर्डर भी आया है, लिफ्ट चेस्ट दिख गया, तो चलो पहले ऑर्डर लेते हैं, ठीक है, एंड देन डिनर अगर पॉसिबल हुआ तो करेंगे और नहीं हुआ तो फिर देखते हैं क्या करना है। तो यार ऑर्डर तो ले लिया है, चलो अब मेस की तरफ चलते हैं। वैसे इधर टी शर्ट्स वगैरह मिल रहे हैं IITB के कस्टमाइज्ड, किसी को लेने हैं तो ले सकता है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं एक इवेंट के लिए, मैं और विनायक भाई, इवेंट क्या होगा कैसा होगा वहीं पर जाके बताएंगे आपको। एंड विनायक भाई क्या एक्सपेक्टेशन है इवेंट को लेकर? देखते हैं कैसा है, पहली बार आ रहे हैं तो कैसे इवेंट में, देखते हैं। एक्सपेक्टेशन तो देखते हैं, मतलब यूट्यूबर्स होने चाहिए और सर एक्सपेक्टेशन क्या है। तो चलो इवेंट पे चल के आपसे मिलेंगे एंड वहाँ पे दिखाएंगे कि हम किस तरीके से मिलते हैं, बाय बाय। तो गाइस अभी मैं आया था एक इवेंट के लिए एंड देखो मुझे कौन मिला है। अच्छा अरे आकाश भाई मिले हैं, बिल्कुल बढ़िया आकाश भाई, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं यार मैं तो डाइटिंग पे हूँ, काइंड ऑफ जनता जानती है, बट नहीं मैं डाइटिंग पे नहीं हूँ, मैं दबा के चिकन मिला प्रोटीन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप कैसे हो बताओ? बस चल रहा है, मजा आज बहुत, मैं तो कॉलेज से हालांकि एक दिन के लिए आया हूँ मुंबई, बट वही है मैस खाने से छुटकारा, कॉलेज वाला से छुटकारा, एक दिन के लिए काफी रहता है, रिफ्रेश होकर जा रहे हैं वापस। और मोस्टली ये रहता है कि यार अपने कम्युनिटी के लोगों से मिलते हो थोड़ा,
तुम्हें आइडिया आते हैं, इनसाइट्स आते हैं, और मेनली वही लगता है कि दूसरे ही बहुत कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ा अपने आप को क्रिएटिवली और ज्यादा पुश करें आगे के लिए। बिल्कुल यार, और अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बताऊं, मैंने आकाश भाई की वीडियो भी देखी थी ब्लॉग वाली, हाउ टू मेक ब्लॉग, और देखो अभी जस्ट कुछ दिनों के बाद ब्लॉग बन रहे हैं इनके साथ, ब्लॉग बन रहा है। थैंक यू सो मच आकाश भाई, और इनके चैनल को भी जाके आप सब्सक्राइब करो। और कुछ बोलना चाहोगे? बस कुछ नहीं, मस्ती करो भाई, मस्ती एकदम। चलो बाय बाय बाय। एंड हमारे साथ यहाँ पे देखो कौन है, ऋषि भाई भी है, जिनको आप कभी कभी खोजते रहते हो, क्योंकि ऋषि भाई आईआईटी बॉम्बे में हो, ऋषि भाई के साथ कोलैबोरेट करो। अरे यार अपना तो रहा है यार, एक ऑफिशियल कोलैब तो रहा है, प्लान करते हैं अभी अपन। बिल्कुल यार, ऋषि भाई भी है अपने साथ, एंड बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, एंड आपके फेवरेट विनायक भाई को तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, विनायक भाई भी है अपने साथ। विनायक भाई कैसा लगा इवेंट में आके? इवेंट ओवरऑल अच्छा था, इंसाइटफुल था, और काफी अच्छे लोगों से मिले। तो चलो यार, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।